पहले तो देश के जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, भिन्न भिन्न समुदाय, उनकी अपनी संस्कृति है, अपनी सामाजिकता है। पहला काम तो यही है कि हम समाज वहाँ के वातावरण के, वहाँ की मिट्टी के बारे में सूक्ष्म से अध्ययन करें और उसके बाद उनको पूछ करके कार्यक्रम आगे बढ़ाए। आजकल होता ये है कि बने बनाए कार्यक्रम होते हैं, कई बार बाहर से आया थे विचार और कार्यक्रम मॉडल, वो हमारे परिवेश में न लोग उसको पचा पाते हैं और न उसको धरती में उतार पाते हैं। ये ठीक है कि पैसे के प्रलोभन में लोग उसको पहले स्वीकार कर लें, लेकिन आगे चल करके जिस रूप में आप देखना चाहेंगे वो दिखेगा नहीं, तो फिर निराशा होगी। कहीं ना कहीं कि लोग भागीदारी नहीं कर रहे हैं, ये बहाना हो जाएगा। तो मुख्य रूप से लोग क्या चाहते हैं, माने आपके सामने कोई बहुत समृद्ध विचार भी है तो आप उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि लोगों को ये न लगे कि ये विचार इन्होंने दिया, ये कार्यक्रम इन्होंने दिया, बल्कि लोगों को लगे कि ये कार्यक्रम हमारा है। तो आपको इस प्रकार से उसको प्रस्तुत करना चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए। ये नहीं कि अपना अहम लेकर के कि हमारे पास ये बहुत अच्छा ये है, आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी कमी है। कई बार ये होता है कि ना, ये गांव वाले बिल्कुल अनाड़ी है, कुछ जानते नहीं है। यदि ये भाव लेकर के चलेंगे तो उसका भी अपना अस्तित्व है, चाहे वो तंगी में भी रह रहा है, यदि उसके सम्मान पर कहीं ठेस पहुँचेगी किसी रूप में, मैंने बातचीत पर इत्यादि अभिव्यक्ति होगी, तो वो भले सामने सामने तो उसको स्वीकार करेगा, लेकिन मन से उसको उससे एक तरफ से नफरत भी हो जाएगी कि ये अपने को बहुत बड़ा सा। इसलिए जो ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है उसमें तो सेवक के रूप में जाना चाहिए, तभी जा करके कार्यक्रम।